शादी से पहले पता नहीं था तुम्हें? कैसे तुम्हारे मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे, तो फिर भी की ना शादी मुझसे। तुम उस लड़की से मिलना छोड़ोगे कि नहीं? हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। क्या करेगी, हवेली से निकाल देगी? बेचारी आलिया का क्या होगा? आपका सच क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन किसी को खुद पर उंगली उठाने का मौका मत दीजिए, क्योंकि ये लोग खुशी क्या पूरी की पूरी जिंदगियां खा जाते हैं। मेरा शहराम दुनिया से डटकर मुकाबला कर रहा है, या फिर मुझे अपने बाजुओं के घेरे में समेट लेते। सब लोग कहाँ हैं? जी तबरेज साहब ने तो खाना कब ही मंगवाया है। और अब्दुल? जी उन्होंने भी। हाशिम को भेजो। ठीक है। जी बेगम साहब। शहराम साहब कहाँ हैं? शहराम साहब सोने के लिए अपने कमरे में लेट गए। फरियाल, क्या बात है? कुछ नहीं, बस अपनी किस्मत को रो रही हूं। घर में सब खैरियत है ना? हाँ सब, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। कितने मन से वो कई साल पहले यहां लेकर आई थी, ये कहकर के इस हवेली में काम करने वाले लोग बहुत खुशकिस्मत होते। और मैं घर की मजबूरियां संभालते संभालते मैं यहां कुछ समझ नहीं आता। हाशिम भाई, आपने कैसे गुजारा किया? सही और गलत के फर्क को जानकर इस हवेली का राजदार हूं मैं फरियाल, यहां का सबसे पुराना खिदमत गुजार, सब जानता हूं, सबके दिलों का हाल जानता हूं, किस पर क्या बीती, लेकिन बोलता नहीं। खामोशी से अपनी वफादारी निभाने की कोशिश करता हूं। शायद कि मैं खुशकिस्मतों के मुराद साहब के जाने के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे गुमराह कर सके। शहराम साहब मुझे मेरे बच्चों से ज्यादा अजीज है। वो जो इस वक्त अंदर बैठी है ना, उनकी रग रग से वाकिफ हूं, मगर कहता नहीं। आलीशान मेज पर अकेली बैठी है, ये किस्मत उन्होंने खुद लिखी है। तुम तो खुश किस्मत हो,
अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि तुम्हारा जमीर जिंदा है। किसी को तकलीफ में देखकर तुम्हें तकलीफ महसूस होती है। उनके बारे में सोचो जिनका एहसास मर चुका है। कितने बदकिस्मत हैं वो लोग। आंसू पोंछो अपने। अभी अंदर से आवाज लग गई तो क्या जवाब दोगी? सोच रहा था कि अस्पताल के इफ्तिताह के लिए एक अच्छा सा इवेंट रख लूं। बेसमेंट कंप्लीट हो गई है क्या? ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। आप देख रहे हैं काम बहुत तेज हो रहा है। इसके बाद सर्जिकल रूम्स पे काम होगा। अस्पताल का इफ्तिताह है तो सारी टीम अगर आएगी तो अच्छा होगा। सबका आना जरूरी है। पूछना ये था कि मंगनी की डेट्स कब की हैं? ये ना हो कि उसी दिन इफ्तिताह रख लूं तो फिर कोई मसला हो जाए। नहीं सर, आप इसकी टेंशन ना लें। अभी उसमें डेढ़ से दो महीने बाकी हैं और वैसे भी हमने सोचा है कि हम मंगनी की जगह निकाह करेंगे। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर गेस्ट लिस्ट में कुछ नाम वगैरह लिखवाने हो तो बताइएगा। थैंक यू। जितने तुमको दर्द दिए हैं, दर्द ही मैंने पाया। मैंने पाकर सब कुछ खोया, जो भी था सरमाया। दिल है शिकस्ता, दिल है शिकस्ता के नम है। वक्त ये कैसा हेलो। हाँ आलिया, कहाँ हो? मैं कुछ बुक्स लेने के लिए निकली हूँ मामा। चलो ये तो अच्छा है, तुम मार्केट पे हो। जरा दर्जी के जाओ। बिल्कुल मूड नहीं है, बिल्कुल मूड नहीं है मामा। देखो मूड का मुझे नहीं पता आलिया, किश्वर भी आने वाली है, शादी सर पे है। देखो जाकर के दर्जी कहाँ तक पहुँचा है। अच्छा मैं देखती हूँ। हाँ ओके बाय। हाँ हेलो। क्या हाल है तब्रेज, कहाँ हैं आप? मीटिंग के लिए निकला हूँ, बाद में बात करता हूँ। श्योर।
वैसे भी हमने सोचा है कि हम मंगनी की जगह निकाह करेंगे। शराब, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बताइए। बच्चों के एग्जाम्स होने वाले हैं और काफी दिनों से वो आर्ट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे थे। मैं सोच रही थी कि अगर वो अपनी मर्जी का कुछ बनाएं तो क्या उनके घर वाले आकर देख सकते हैं, काफी खुश होंगे वो। जी सही कह रही हैं, ऐसे ही होना चाहिए। तो इसका कोई बजट वगैरह होगा? नहीं, ज्यादा खर्चा नहीं होगा। कुछ चीजों की जरूरत होगी वो जाकर मैं अजमल चाचा की दुकान से ले आऊंगी। अब चलती हूँ। सुनिए, वो आप शहर गई थी, डिग्री मिल गई आपको? वो तो मिल गई है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आवाज़ें क्यों नहीं खोलती तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही होती? मेरा फोन नहीं बजता तुम्हारा, आवाजें नहीं आती तुम्हें? कहाँ था फोन? कुछ देर के लिए अकेला छोड़। क्यों अकेला छोड़ दो तुम्हें? फैक्ट्री क्यों नहीं आ रही तुम? तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तो कौन बताएगा मुझे? शोर नहीं है तुम्हारा? आराम से बात करें, और भी लोग रहते हैं। तो क्या हो गया? आराम से बोलूं, और लोग रहते हैं इसलिए? तुमसे ना ज्यादा इज्जतदार हूँ मैं। आपसे ज्यादा नहीं, इज्जतदार ही नहीं हूँ मैं। मेरी कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ आपकी हैसियत है। समझ आ गई है मुझे। जब ये मौत के कोने आ जाए ना, बुला लेना मुझे। अपने घर वालों को कब? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। क्या कर लोगी? मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा सफ़ेद शेरवानी पहने। अब चाहे वो अपने बारात के दिन पहने या इलेक्शन जीतने पे, ये उसकी मर्जी है। मेरी दुआ है कि आपकी तमाम ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। लेकिन किश्वर, जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, मेरी बेचैनी बढ़ रही है। किस बात की बेचैनी? सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बस बेटी देना आसान काम नहीं है। समझ सकती हूँ, लेकिन वो कोई गैरों के घर में थोड़ी जा रही है, अपने घर में जा रही है, तो फिर किस बात की परेशानी? वो आलिया, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारे, जिक्र हो रहा था तुम्हारा ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? दर्जी के गई थी? सब
दुकान बंद थी, कल चक्कर लगाऊंगे। आप ऐसे अजीब लोग होते हैं, सब जरूरत पड़ती है तभी दुकान बंद करके बैठ जाते हैं। आओ बैठो ना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम करना चाहती हूँ। क्या हुआ? सर में दर्द है बस। बेटा जाओ कमरे में आराम करो, मैं दवाई भेजती हूँ। एक बात आपसे पूछनी थी लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। जी। तबरेज और इसके बीच में कोई बात हुई है क्या? तबरेज ने इसे तंग तो नहीं किया? सारे रिश्तों में लड़ाइयाँ तो हो ही जाती हैं, शायद इन दोनों के बीच में हो गई हो, लेकिन आप फिक्र ना करें, सब ठीक है। हेलो, कैसे हैं अब्दुल? अब अल्लाह का शुक्र है, बस काम में लगा हुआ था। आखिरकार आप भी इस झूठ की दुनिया का हिस्सा बन गए ना अब्दुल। तबरेज के बारे में सब कुछ जानते थे, इसलिए खामोश थे, इसलिए परेशान थे ना। तबरेज ने शादी करके रखी हुई है, इतना बड़ा झूठ अब्दुल। शादी? अब मैं जानता हूँ वो किसी के साथ इन्वॉल्व है, लेकिन उनकी शादी तो नहीं हुई। फिर मैंने अपनी अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना है, उसने अपनी बीवी को छुपा के रखा है। और सच बताऊं, मुझे वो खास खुश नहीं नजर आ रही थी उसके साथ। और आपको इल्जाम नहीं दूंगी क्योंकि धोखा सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, आपके साथ भी हुआ है। जो अपने घर वालों का ना हो सका वो मेरा कैसे होगा अब्दुल? क्यों लगाती, क्यों नहीं बताया मुझे? मैं आपको सब कुछ सच सच बताना चाहता था, लेकिन बस इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो सकती? हेलो, हेलो, मैं वही हूँ जिसके बारे में आजकल बहुत सी बातें की जा रही है, और शायद आपके कहने पर ही। दिल इज्जत दे के जीते जाते हैं। अरे चीफ मिनिस्टर साहब की बेगम अपने घर की शादियां भूल के यहाँ आ जाएंगी, यादगार शादी रहेगी मेरे तबरेज की। मुल्क भर, क्या दुनिया भर से लोग आएंगे बेगम साहिबा। वो मैं बात करती हूँ आपसे। बात है क्या है? वो उधर बाहर, वो क्या, वो कौन आया है? वालेकुम अस्सलाम। कौन हो? मैं वही हूँ जिसके बारे में आजकल बहुत सी बातें की जा रही है, और शायद आपके कहने पर ही।
ये पैसे भिजवाए थे ना आपने मुझे अपने मुलाजमा के हाथ, कुलसेब नाम है मेरा। हमेशा इज्जत की जिंदगी जीती आई, तो मरते दम तक इसकी हिफाजत करूंगी खुद। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? ये हिम्मत और हक आपके बेटे ने ही मुझे दिए, इसलिए आपको ये बताने आई हूं कि मैं तबरेज के निकाह में। बीबी होगी क्या कह रही हो? मैं जानती थी कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगी, इसलिए सबूत लेकर आई हूं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना पैसे, ना रहने के लिए छत, और ना ही आपके बेटे पर पूरा हक। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं बेबस और बेसहारा थी, और ऐसे में आपके बेटे का आना जाना या मदद मैं रोक नहीं सकी। ये मेरा फैसला था भी नहीं, खुद मुझसे निकाह करना चाहते थे। सिर्फ अपनी इज्जत वापस चाहती हूं, जो कल तक तो मेरी थी, लेकिन अपना लोगों की बातों में सुनाई देती और ना ही आंखों में दिखाई देती। मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन तब जब तुम तबरेज और आलिया की शादी होने तक खामोश रहोगी। उसके बाद सबको पता चल जाएगा। पता क्या, तुम यहां आके रह भी सकती हो, आखिर तो उसकी बीवी हो। लेकिन उससे पहले तुमने किसी से जिक्र नहीं करना है, समझे? ये रख नहीं सकती, इसलिए वापस कर कर जा रही हूं। मैं जानती हूं मेरे यहां आने पर तबरेज बहुत नाराज होंगे, लेकिन मजबूरी समझे मेरी। आलम पहुंच गए? जी पहुंच गए। वो प्रजेशना, उनको किस चीज की कमी बेशी नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ मेरे कहने पे इतनी दूर आए हैं। और हाँ, इस बात का बहुत ख्याल रखना कि
मेयार के मामले में किसी चीज की कमी बेशी ना हो अस्पताल में। जी बिल्कुल, के अस्पतालों की जान बचाने के लिए होता है, उसको खतरे में डालने के लिए नहीं होता। जी जी जी, मानना पड़ेगा शहर, कुछ तो बात है तुम्हें जो सब तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है। तुम क्या लेने आए हो यहाँ पे? बदले की आग में पागल हो गया था मैं। ना जाने क्या क्या कर बैठा, इसीलिए खाली हाथ सच्चे दिल से माफी मांगने आया हूं। मैं जा रहा हूं और मैं दुश्मनी में मुल्क नहीं जाना चाहता, मुझे माफ कर दो जा रहा हूं। माफी चाहिए तुम्हें? हाँ, सच्चे दिल से। तो यहां क्या लेने आए हो? बच्चे यहां पर खेलते हैं, कम से कम यह शेड तो लगा दीजिए ना। आप लोग जाइए प्लीज। मैडम, एक बार हमसे ही कह दिया होता, जैसा आप चाहती बिल्कुल वैसा बनवा देते। जी वो बच्चों का स्पोर्ट्स का पीरियड होता है, कल भी दो बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी, अगर यहाँ पे शेड लग जाए तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा। ये पूरा एरिया टोटली कवर हो जाए और अच्छा भी बहुत लगे। और बोलिए। और कुछ नहीं। इतनी टेंशन में क्यों आ जाती हैं आप? हमेशा वही होता है जो आप चाहती हो। जरूरी नहीं है। ये क्यों आया यहाँ? मैं लाया उसको, ये मेरे पास माफी की उम्मीद लेकर आया था, लेकिन गुनहगार ये आपका है। माफी भी उन्हीं से मांगनी चाहिए जिनका नुकसान किया। इसकी कोई जरूरत नहीं है शरा। अरे बोलो ना, मेरे सामने तो बहुत बात कर रहे थे। मानूर, मैं यहां सिर्फ और सिर्फ जमाल अंकल की इलेक्शन कैंपेन के लिए आया था, वो भी अपने अब्बा की इज्जत करने पे। और इत्तेफाक से मैंने तुम्हें आपको देख लिया और मेरा दिमाग घूम गया। आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूं मैंने आपको बहुत तकलीफें दी, आपके घर वालों को बहुत तकलीफ थी। मेरे एक सॉरी से मेरी गलतियों का जाला नहीं होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका फ्यूचर खराब हो, इसलिए मैंने जो कुछ किया उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दे। देखो, मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारी कोई नई चाल है या तुम्हारा जमीर वाकई जिंदा हो गया। एक बात याद रखना, जोर जबरदस्ती से ना कभी कुछ हासिल नहीं होता, दिल इज्जत देके जीते जाते हैं। दूसरों को नीचा दिखा के इंसान सिर्फ अपनी जात की हकीकत सामने लाता है, दूसरे की नहीं। चलो। शहराम मुझे कभी ठीक से समझ नहीं आएगा। किश्वर साहिबा से मिली थी वो? मिली थी, सलाम किया, फिर कमरे में घुस गई एज यूजुअल, अब नहीं निकल रही। जब वो तबरेज आया था माफी मांगने के लिए
जमाल आपको कैसे पता? जाहिर है मैंने ही भेजा था उसे। ये सब जवान खून एक ही जैसा होता है, इतनी आसानी से उनकी अकल में आती कब है ये बात? और मुझे ऐसा लगा कि उससे अपनी गलती का एहसास हुआ इसलिए सॉरी करने आया। नाज खुदा का वास्ता बस कर दो, तुम ही उसके दिमाग में इस तरह की बातें डालती हो। तुम्हें पहले भी कहा है ये सब कुछ हमें परेशान करने के लिए कर रही है, बस छोड़ दो उसको उसके हाल पे, खुद ही ठीक हो जाएगी। मुझे मेरे हाल पे आप कब का छोड़ चुके हैं बाबा? जिन्हें औलाद की फिक्र होती है उनकी खुशी की फिक्र होती है वो जमीन और आसमान एक कर देते हैं लेकिन औलाद पे आंच नहीं आने देते। अच्छा, क्या कमी छोड़ी है बाय द वे आपकी देखभाल में हमने? मोहब्बत की, पैसे की, आसाइश होगी क्या बताओ? भरोसे की। बाबा मुझे लगता है आपने कभी मुझ पर खुल के भरोसा किया ही नहीं, और अगर ऐसा नहीं है तो आज मैं आपको मौका देती हूं मुझे गलत साबित करने का। क्या आप जानते हैं तबरेज की शादी हो चुकी है? क्या ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कुलजेब नाम है उसका, उसी की फैक्ट्री में काम करती है, बेवा है। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो उससे पूछ लें। किसने कान भरे हैं तुम्हारे? पापा किसी को कान भरने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सुनो इधर आओ। कहाँ से आ रहे हो? कहाँ आऊंगा मैं, फैक्ट्री में काम चल रहा है और क्या करूंगा। आजकल इतने ठिकाने तुम्हारे बन गए इसलिए पूछ रही थी। मैंने कहा शायद अपनी बीवी के पास हो। बीवी? जितना बेवकूफ और लाचार तुम उसे समझ रहे थे वो बहुत ज्यादा अकलमंद निकली है। अपनी इज्जत के हाथों मजबूर होके मेरे पास आई थी ये बताने के लिए कि तुम्हारा और उसका रिश्ता क्या है। बहुत अच्छा सिला दिया तुमने मेरी मोहब्बत का। मेरा तो ख्याल था कि अपने बारे में बातें सुन के वो डर के भाग जाएगी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि चोर तो मेरे ही घर में निकला है। तो आपने मेरे बारे में सारी बातें फैलाई हैं? एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारी और आलिया की शादी में कोई मसला नहीं होना चाहिए। तुम जो मर्जी करते फिरो लेकिन उस लड़की को घर पे बिठा के रखो, उसके बाहर जाने पे पाबंदी लगाओ, मुझे नजर नहीं आनी चाहिए। और ये बात तुम याद रखो, अगर तुम्हारी और आलिया की शादी में रुकावट आई तो मैं उस लड़की को कहीं भी रहने के काबिल नहीं छोड़ूंगी, समझे? इतने दिनों से तुम उसका पीछा कर रही थी ताकि तुम उसे गलत साबित कर सको। शादी से पहले मर्दों की बहुत सारी बुरी आदतें होती हैं, मानता हूं मैं, और हो सकता है उसका किसी से अफेयर चल रहा हो, लेकिन ये शादी नामुमकिन। तो आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है? चले मान लेते मैं गलत हूं, उसने निकाह ना भी किया हो, लेकिन वो एक दूसरी औरत के साथ रहता हो क्या ये जानते हुए भी आप शादी के फैसले पे डटे रहेंगे?
क्योंकि अब ये शादी नहीं होगी पापा। शादी तो तुम्हें करनी होगी। पर हर हाल में होगी तुम्हारी शादी, उस घर की बहू तुम ही बनोगी। बाबा सब जानते हुए भी आप देखो यार, सब मर्दों की फितरत ऐसी ही होती है। सबने एक एक दो दो तीन तीन रखी होती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इंसान अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे। मैं जानता हूं कुछ है, लेकिन अगर उसकी जिंदगी में कोई है भी तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। पापा मुझे अफसोस हो रहा है आपकी बातें सुनकर, मेरे लिए नहीं बल्कि ये सोच के कि आपने कितनी बार मामा को धोखा दिया होगा। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, प्लीज प्लीज ले जाओ। बच्ची है, बच्ची उसे नहीं पता। बच्ची है तो अपनी हुदूद में रह, रिश्तों के तकद्दुस का ख्याल रखे। ले जाओ इसे मेरी नजरों से दूर। काश मैं कभी वापस ना आती, काश मैं आपकी किसी बात का यकीन नहीं करती, क्योंकि आप लोग हमारी परवरिश सिर्फ इसलिए करते ताकि सही मौके पे हमें भेंट चढ़ा सके। तो सुन रही हो उसकी बात? चुप करो, खामोश हो जाओ। अपनी ज़बान को लगाम दो। देखिए भाइयों, मुझे पता है आप सुबह सुबह काम पे जाते हैं, इसलिए ज्यादा देर नहीं लूंगा। शुक्रिया आप लोग आए यहाँ पे। बस इतनी सी बात करना चाहता हूँ कि ये जो अस्पताल है, ये मेरे वालिद मरहूम का ख्वाब है, जैसे स्कूल उनका ख्वाब था और अब मेरा भी ये ख्वाब है। मैं हरगिज़ इस अस्पताल को एक सीढ़ी अपने लिए नहीं बनाना चाहता। मेरे लिए वाकई ये एक मुखलसाना कोशिश है आप लोगों की मदद करने के लिए। और देखें, अगर आप मेरा साथ देंगे, मुझे अपना नुमाइंदा मुंतखब करेंगे, तो मेरे लिए बहुत आसान होगा कि मैं हकूमत से भी तआवुन लूँ ये सारे काम करने के लिए। दूसरा ये है कि देखें, अस्पताल के ऊपर हमें ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है जो उसकी तामीर में हमारी मदद करें, और ये कोई मुफ्त काम हम नहीं करवाएंगे। ये क्या किया आपने बशीर भाई? ये लेस इस कुर्ते की थोड़ी थी, इस वाली पे लगानी थी। अच्छा बीबी, आपने मुझे खुद बोला था कि इस वाले कुर्ते को लेस लगानी। अजीब बात कर रहे हैं, मुझे कैसे याद नहीं होगा। हाँ जी, क्या मसला? हेलो आयशा, तुम कहाँ चली गई हो? बताया तो था आपको, दर्जी के पास जा रही हूँ, आपने मुझे जवाब ही नहीं दिया। अरे मैं किचन में थी, दो मिनट रुक जाती तो साथ में चलते, तुम अकेली ही निकल गई। मानूर आप ही तो पूरा दिन मसरूफ होती हैं, इस तरह थोड़ी सारे काम हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, जल्दी वापस आओ। अब इसे वापस ठीक करना होगा, कितने दिन में देंगे आप? मैक्सिमम एक हफ्ता लग जाएगा। एक हफ्ता? दो दिन में ठीक करके दें आप। दो दिन में कैसे ठीक होगा? दो दिन में ठीक करके दें, वरना मैं क्या हुआ आपको? जो जो चाहते हो कि वो हमारा साथ दें, वो इनके पास पेरिस में अपना नाम लिखवा लें। भाई क्या हुआ बाहर? लड़की कोई बेहोश हो गई। बेहोश हो गई? आप बैठे। पाओ देखे, आप पाओ पाओ पाओ। कौन गिर गया? अरे देखे ना। कौन है भाई, क्या हुआ? अरे देखे देखे इसको। कौन? आयशा, अरे आयशा क्या हुआ? क्या हुआ इनको? रऊफ चाचा किधर हैं? रऊफ चाचा को देखा किसी ने? रऊफ चाचा नजर नहीं आ रहे। अरे उठाइए उठाइए इनको। गाड़ी 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 चलाओ, गाड़ी चलाओ, चलो चलो, आराम से आराम से।